हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दिन की शुरुआत यहाँ से हो रही है और ये देखिए मेरा घर फैला हुआ है। आज मैंने अपनी सहेलियों को बुलाया घर में, तो हम लंच करेंगे। तो बहुत टाइम हो गया था हम लोग मिले नहीं थे, तो आज मेरा मूड बन गया कि मिलते भी हैं और लंच भी करते हैं और मौज मस्ती भी करते हैं। और मौज मस्ती के साथ काम मेरा इतना बढ़ जाएगा कि घर देखो मेरा फैला पड़ा है। अभी तो मेरे को सारा डस्टिंग करनी है, सफाई करनी है। ये देखिए बेटे ने अलमारी में से कपड़े निकाले, उसका पर्दा ऊपर फेंक दिया, ये मेरे को ही करना है। और ये देखिए सारा कमरा फैला हुआ है, तो इस पर सफाई करूँगी मैं। और ये कमरा मैंने साफ़ कर लिया है, थोड़ा बहुत साफ़ कर लिया मैंने, इसमें चद्दर को बिछा लिया है, बेड की सफाई करी है। और अभी इधर डस्टिंग करनी है मैंने ड्रेसिंग टेबल की, और ये भी मैंने साफ़ कर लिया है, इसको सेट कर लूँगी। तो गैस मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, जब कोई आता है तो और भगदड़ मच जाती है। तो ये मैंने मशीन के ऊपर बहुत सारा सामान था, ये हटाया है, थोड़ा सा और हटाऊँगी। तो गैस मैंने अपनी अलमारी भी साफ़ करी है, अलमारी में भी मैंने कपड़े बहुत अच्छे तरीके से लगाए, बहुत उथल पुथल हो रही थी अलमारी में भी। तो ये देखिए, ये मैं अपने पर्स रखती हूँ। तो गाइस अच्छा लग रहा है, आज मेरी फ्रेंड आएंगी, सहेली आएंगी। तो देखो ये कमरा तो मैंने कर दिया साफ, और ये रह रहा है कमरा। और ये देखो कपड़े पड़े हैं, ये देखो सारे कपड़े पड़े हैं ये। और यहाँ चल रहा है लंच ओ ब्रेकफास्ट, ये देखो सारा डस्टिंग करने वाला काम हो रहा है, ये बच्चे के लिए बनाया है, बेटे के लिए। और सोफे के मैंने कवर धो दिए हैं। और किचन दिखाती हूँ आपको, अभी मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि मेरा इस तरीके से हो रखा है, जब मैं इसे क्लीन कर लूँगी, साफ कर लूँगी, तो फिर दिखाऊंगी आपको। और जब मेरी सहेली आएंगी फिर मैं आपको तब भी दिखाऊंगी। तो मैंने आलू गोभी मंगाई है, ये सब्जी मंगाई है मैंने, आलू और गोभी मंगाई है। और ये दही है, इसे मैंने दही मंगाई है। मैंने गोभी के डंठल काट के रखे गए, देखो ये मैंने गोभी के जो डंठल होते हैं ना, वो मैंने बारीक बारीक काटे। इसकी भी मैं सब्जी बनाऊंगी और फिर आपको बताऊंगी किस तरीके से मैंने बनाया है इसको, बहुत स्वाद होती है। ये देखो गोभी के डंठल है ना, उनको बहुत बारीकी में काट लिया मैंने। और ये चीज़ है जो ये राजमा और काली उड़द की दाल, राजमा तो मैंने रात को भिगो दिए थे, दाल थी नहीं घर में, अभी मंगाई है मैंने, तो ये भी मैंने भिगो दिया। अभी इनको एक घंटा ऐसे रखने के बाद इनको मैं उबालने रख दूंगी। तो गाइस देखिए बर्तन पड़े हुए हैं, ये गोभी रखी हुई मैंने, ये जो छिलक होते हैं इन्हें मैं फेंकती नहीं हूँ, सारे इकट्ठे कर लूँगी इसमें और फिर मैं इसको ऊपर उसमें डालूंगी। गोभी तो निकालनी है मैंने, अभी मैंने लहसुन छिला है, तो गोभी रखी इसके साथ में, तो इसकी सब्जी बनाऊंगी मैं। तो गाइस इसके साथ ही दिखाते हैं आपको भी घर का छोटा मोटा काम। और इधर चल रहा हमारा धारावाहिक, तो ये इसके साथ करते हैं आगे। अभी मैं सारी डस्टिंग करके आपको दिखाती हूँ। सुबह के कवर मैंने धो दिए थे, और ये कुर्ता पजामा मैंने इनके पहनने के लिए निकाला हुआ है। तो गाइस बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आज हम लोग हंसेंगे, खूब इंजॉय करेंगे। तो जब सहेलियाँ, चार सहेलियाँ मिल जाती हैं तो फिर बहुत मज़ा आता है। तो आज का दिन कैसे निकलेगा वो आपको दिखा रही हूँ। तो अब हम ये नहीं सोचेंगे कि हमने सारी रसोई साफ करनी है तो उसके बाद हमने खाना पकाना है। तो इधर मैंने अभी मोटा मोटा काम कर लिया, सफाई कर ली, जिससे कि थोड़ा मैं खाने की तैयारी कर सकूं। ये मैंने गैस भी साफ़ कर लिया, तो उस साइड अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, सारे बर्तन पड़े हुए हैं ये। तो ये तो होता रहेगा, क्योंकि इसके साथ इसलिए बता रही हूँ कि क्योंकि आसान तरीका है। मैंने बड़ा बड़ा रसोई का सर्फ जो है साफ़ कर लिया है, और ये गोभी और आलू काट के रख लिया मैंने, और ये मेरे जो है गोभी के डंठल हैं, ये मैंने धो के अच्छे से, इन्हें बहुत अच्छी तरीके से धोना पड़ता है, थोड़ा मिट्टी लगी होती है। तो इसकी मैं सब्जी बनाऊंगी, और इसकी भी मैं सब्जी बनाऊंगी। और ये टमाटर हैं, इसको इसमें जो मैंने कल चॉपर मंगाया था, इससे मैं ग्राइंड करूंगी इसको। और ये मैंने दही रखी है, दही फ्रिज में भी है, और अगर कम पड़ी तो उसमें से डाल लूँगी। और ये राजमा और ये उड़द की दाल है जो, इसको मैं भी उबालने रखूँगी। और प्याज हमने काट के रख लिए हैं, तो पानी में डाल दिए प्याज को। और ये हरी मिर्च है, इसकी मैं चटनी बनाऊँगी। और टमाटर है इसमें, और प्याज, तो धनिया तो आपको पता ही आजकल बहुत कम मिल रहा है। और ये खीरे हैं, इसका मैं सलाद बनाऊंगी। और ये है लिज्जत पापड़ तलूंगी। तो गैस इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर मैं ऐसे सोचूंगी मैं पूरी सफाई करूँ उसके बाद मैं खाना बनाऊँ, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, बहुत टाइम लग जाएगा। तो जब तक मेरी सहेलियाँ आती हैं तब तक मैं राजमा और उड़द की दाल जो है उसको उबालने रख देती हूँ। इतना ये उबल जाएगी तो इतना मैं क्लीन करती हूँ, चाहे कमरे को चाहे किचन को। तो आपको मैं दिखा रही थी, अगर मैं इस भरोसे रहूँगी कि मैं सारा काम कर लूँ, साफ़ सफाई झाड़ू पोछे सारा काम करने के बाद अगर मैं खाना बनाती हूँ तो मैं लेट हो जाऊँगी,
अगर मेरी दाल उबली हुई रहेगी, राजमा और उड़द की दाल उबली हुई रहेगी, तो मैं इसको तड़का आसानी से लगा सकती हूँ। अगर सहेलियाँ आ जाएंगी सब बैठ के गप्पे मार के भी मैं तड़का लगा लूँगी आराम से, लेकिन तैयारी सारी होनी चाहिए। तो गाइज मैं तो ऐसे ही करती हूँ, उनके आने से पहले मैं सारा कुछ तैयार रखूँगी, सब कुछ। और चावल जो है वो मैं ओवन में बनाऊँगी। तो गाइज ये है मेरी छोटी सी टिप्स है, लगा लो आप, क्योंकि अगर हम रसोई का ही ध्यान रखेंगे कि ये करेंगे वो करेंगे फिर काम करेंगे तो काम रह जाएगा। अब मैं उधर से प्रेशर कुकर निकालती हूँ, बड़े प्रेशर कुकर में बनाना पड़ेगा। ये हमारा 5 लीटर का प्रेशर कुकर है, इसमें बनाती हूँ मैं दाल को। और चलो फिर आगे दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये राजमा मैंने राजमा और उड़द की दाल इसमें रख दी प्रेशर कुकर के अंदर। अब हम इसका ढक्कन लगा लेंगे। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि नमक डालने से सही तरीके से गल जाता है, अच्छा गल जाता है। और ये मैंने अदरक, देखो अदरक छोटा छोटा अदरक है, और ये लहसुन जो है मैंने छील के रख लिया। अब इसका मैं पेस्ट बनाऊंगी। तो गाइज ये मेरी नमकदानी है, इसमें से मैं आधा चम्मच नमक का निकाल के, और ये नमक जो है मैं इसमें डाल दूंगी प्रेशर कुकर के अंदर। अब मैं इसका ढक्कन लगा लेती हूँ। ये मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा लिया और गैस को ऑन करूंगी मैं। ये हमारी गैस ऑन हो गई है। अब इसमें लगेंगी 4 या 5 सीटियाँ लगाएंगे हम इसमें। जब तक 4-5 सीटियाँ लगती तब तक हम और काम पे ध्यान देते हैं। तो हुए ना एक पन दो का, जितना यहाँ दाल भी उबल जाएगी, उधर से मैं थोड़ा सफाई करके आती हूँ घर की, तो घर को साफ करती हूँ, और इधर ये सामान पड़ा हुआ है इनको रख लेते हैं। तो गाइस एक पन दो काज, तो मैं इसीलिए आपको दिखा रही थी। दोस्तों दूध भी आ गया है, अब ये दूध को हम गर्म करने, छलनी से छान लिया हमने दूध को। तो मैं दूध तभी लेती हूँ जब छलनी रख कर ही लेती हूँ मैं दूध को। तो ये दूध भी आ गया, 3 किलो दूध ले लिया मैंने, थोड़ा चाय पानी भी बनेगी। और ये प्रेशर कुकर में हमने दाल को रख दिया, तो अभी हम आगे का काम कर रहे हैं। तो 3 किलो दूध लिया है मैंने, चाय भी बनेगी, और देखती हूँ अगर मेरा मन कर गया तो खीर बना दूंगी। तो ये आलू गोभी बन रही है, और ये मैंने जो डंठल कहे थे ना, तो डंठल बना रही गोभी है। और तीनों चूल्हों पे मैंने खाना रखा हुआ है, इसमें राजमा काली दाल है, इसमें गोभी के डंठल हैं, और ये गोभी बन रही है। तो गोभी को हम ढक देंगे। और ये मैंने चटनी बना के मैंने फ्रिज में रख दी है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये मैंने चटनी भी बना ली है, ये देखिए चटनी बना ली है, और दही भी है ये, और बाकी ये रायता वगैरह भी बनाएंगे, चावल बनाएंगे। तो मैं थोड़ा कपड़े पहन लेती हूँ। तो गाइस ये देखिए बन रही है सब्जी, डंठल गोभी की डंठल, और राजमा काली दाल और गोभी। तो मैंने किचन में काम कर लिया है, मैंने सब्जी तैयार कर लिया, बस मैंने चावल बनाने, चावल बनाऊंगी मैं बड़े पतीले में। ओवन तो चल नहीं रहा, लाइट आई नहीं अभी, तो मैंने क्लीन कर लिया, बर्तन धो के रख दिए हैं, और देखो कितना साफ हो गया है। तो मैं ये आपको दिखा रही हूँ, कितने सारे बर्तन पड़े थे सब मैंने साफ कर दिए हैं, और मैंने अपना कमरा भी रेडी कर दिया बिल्कुल सही। देखो जब कोई आता है तो और जल्दी हाथ हाथ चलते हैं, और बढ़िया ये देखिए। तो मैंने सफाई कर दी अच्छे से, और ये कमरा तो मैंने आपको पहले भी दिखा दिया था, इसको तो मैंने पहले ही कर लिया था, शीशा वगैरह सब साफ किया, यहाँ बहुत सारा सामान था यहाँ से हटाया, और मैंने अलमारी में भी सारे कपड़े आपको दिखाए थे, सारी सफाई कर ली है मैंने। तो गाइस ये कमरा भी मैंने साफ कर दिया, देखो कितना गंदा हो रहा था, गंदा क्या था, पर वही फैला हुआ रहता है सामान, फैला हुआ रहता है। तो यहाँ मैंने अभी करवे का होए के बिंदी लिपस्टिक चूड़ियाँ सब रखी हुई थी, तो सब मैंने संभाल के रख लिया, और चादरें बिछा दी। तो ये माता रानी का दरबार है, यहाँ मैंने देखो कल चूड़ियाँ पहनी थी, यहाँ उतार के रखी है। तो गाइस खाली मैं आपसे कह रही हूँ कि घर के अंदर रहने से भी कोई वो नहीं होता है, बाहर निकलो या घर में रहो, अपना एंजॉय करो। तो मैंने अपने सहेलियों को बुलाया, इसीलिए बुलाया मैंने कि थोड़ा एंजॉय हो जाता है, बहुत टाइम से मुलाकात नहीं हुई थी ढंग से। तो आज हम मुलाकात भी करेंगे, मौज मस्ती भी करेंगे, और लंच भी करेंगे। तो बस आने वाली हैं अभी, देखो अभी ये दो जने आए हैं अभी, और सहेलियों ने आना है, और ये भी अभी आई हैं, अभी बदतमीज सहेलियाँ हैं ये, देखो अभी आए हैं। तो आते सार देखो कैसे लेटी है, बैग उधर फेंकर यहाँ लेट गई एकदम, और अभी आ रही हैं, जब आएंगे उनकी भी खबर लेंगे इतने लेट क्यों आए। तो हम भी रेडी हैं, सही बात है, ये दोनों पहले आ गए थे, आ रही है अब आई है, अभी हमारी गुरु माँ भी आने वाली है, गुरु माँ के घर को ही आ रखा है कहते अभी। और ये देखो मेरी भी शक्ल देख लो,
अभी आएंगे, उनको भी दिखाते हैं, अभी डालते हैं उनकी वीडियो भी। अब हम फुलके बना रहे हैं, ये बना रहे हैं हम रोटी, ये रोटी बन रही है, ये सब्जी बन रही है, और चावल ये बन गए हैं, और ये चावल हमने ये बना लिए, और इसमें हमने राजमा बनाए हुए हैं, राजमा उड़द बनाया हुआ है, और ये हमने सलाद काट के रख लिया है, और इसमें हमने प्याज काटा है, पानी में रखा का प्याज खराब नहीं होगा। तो गाइस ये देखो ये फुलके बन रहे हैं, अंदर गप्पे चल रही हैं, इतना मैं फुलके बना लेती हूँ। तो ये हमारी डिश बनी हुई है, क्या बना हुआ है ये बताते जाओ। राजमा और काले काली दाल, क्या बताना है सीखते, देख लो किसने देखना, जिसके हाथ में उसे देख लो। तो आज हम सहेलियां मस्ती मार रहे हैं और दावत कर रहे हैं। लाइट जला दे, इतना अंधेरा नहीं आ रहा। लाइट का फोटो से आएगी खाने की, लाइट की फोटो खींचोगी ना, फोटो खींचोगी तब ना ना, बिल हमारा चलता रहता है। देखो बहन कैसी सहेली है तुम्हारी, देखो मैंने कहा मेरी सहेलियां थक रही है तो इनको जरा मैं आराम कराती हूँ। तुम्हारे को भेजूंगी फोटो खिंचाने, कितना शौक लग रहा है देखो, खाना छोड़ के बैठी हुए तीन चारों की चारों। और इनके साथ मैं कर रही हूँ एंजॉय पूरा। फोटो ले रही हूँ वही नहीं, आपने बात करनी शुरू कर दी। सब चाट चाट के खा रहे, इतना बढ़िया खाना बन रखा है, कहते खा रहे चाट चाट के देखना, ये देखो चार चार के खा रहे हैं। तू कैसे खा रही है, तू भी दिखा कैसे खा रही है, और मुंह बंद करके खाएगी। वो तो रायता खा रही है देखो, ये देखो इसने भी अपनी प्लेट, अच्छी बन रहा खाना, खाना बढ़िया है, मस्त तो मुंह में डालो, खाना खा के सब बस बच्चा अच्छा है। चल साफ करो, तो ये देखो मेरी सहेलियां कितनी अच्छी हैं, अभी तक उन्होंने साथ साथ काम करने लगे, खाना खा के सब अपने अपना, देखो ये बर्तन धो रहे हो, गैस साफ कर रही है, ये सेल्फ साफ कर रही है, और आपका कपड़ा क्या है, हमारा कपड़ा ये रहा। ये देखो हम कितना एंजॉय कर रहे हैं, हमने काम कर लिया है, मैंने खाना बनाया, इन्होंने बर्तन साफ कर दिया, रसोई क्लीन कर दी एकदम, हमने सारी किचन साफ कर दी। दिखाओ मैंने कैसे क्लीन करी है, देखो बर्तन ये धो लिए हैं, और ये बर्तन धोने के मालिक, और ये साथ में ये धो रहे हैं, और ये देखो ये गैस साफ कर रही है, ये देखो गैस, ये गैस साफ कर दी है, इसने सेल्फ साफ कर दिया है। थैंक यू माई डियर फ्रेंड, थैंक यू। देखो ये आए प्रधान जी, आए देखने के लिए, चेक करने के लिए, प्रधान जी देखने के लिए आइसिंग कर रहे हैं, हमारी गुरु माँ जी है, गुरु माँ जी प्रणाम कर रहे हैं, नहीं नहीं वो जम रहे हैं, आज हमने इनको सबने जिमाया है, बैठ गए गुरु माँ को जिमाया है। देखो रसोई का काम, मेरा काम कर दिया इन लोगों ने, चाट चाट के जिमे आज गुरु जी इन्होंने था ये बदतमीज की थी। ये मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है, बहुत बड़ी कमजोरी है, मेरी फेवरेट मिठाई सच्ची, मेरी छोटी बेटी की मिठाई है, कल मैं तीनों बच्चों की पसंद की लेकर आई थी, आ रहे थे जरा उनको भी दे, रसगुल्ले तुम्हें नहीं दे रही, रखे हुए हैं मेरी पारुल की मिठाई ये पसंद है, और पूजा की वो जो होती है मिल्क केक, और मोनू का जो है बेसन के लड्डू, मोनू हाँ काजू कतली, मेरे को अच्छा बहन, वो हमारे को पता नहीं क्या होती है मिठाई, हमें पता ही नहीं है काजू कतली का, हमें पता ही नहीं है। इन्होंने देखो अपने अपने गिलास रख लिए थे कि भाई पानी हमारे को दोबारा ना भरना पड़े, गिलास जूठे ना करने पड़े, देखो काजू कतली को हमें भी अच्छी बहन ज्यादा फेवरेट है, तो एक और ले ले, नहीं ले 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 जान ना, ये सारा डिब्बा खत्म कर दिया इसने, इसने सारा डिब्बा खत्म करके बात करी, जाते समय खाऊंगी बताओ, ये छोड़ा इसने कागज छोड़ दिया,
ने चाय पी ली है, आपने भी पी है? अदरक वाली थी। वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। तुम अदरक वाली, उन्होंने हमारी चाय का थोड़ा सा दूध की चाय छोड़ दी। बताओ बांटे की है, तब पानी पानी वाली चाय मिलेगी। तो हम करते इसका एंड, ये कर रही है अपना मेकअप। तो अब ये लोग अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं और मैं करूंगी रेस्ट। ए लता देख ले इधर के लिए। हाँ आओगे क्यों नहीं आओगे। तो आज हमने क्या करा, साथ बैठ के खाना खाया, मस्ती मारी। आज हमने मस्ती मारी है, बोलते रहो। क्या करा आपने? ग्रुप में डाल खाया, पांच तो सब्जी थी, गेंदा थी, दीदी ने तो राजमा उड़द गोभी की सब्जी, रायता, चटनी, गुलाब जामुन भी मेरे अर्सुन की भुजिया, और चाय तो इतनी टेस्टी बनाई, लास्ट में उसके साथ दे दिए गुलगुले। मन कर रहा है कि चाय पी के अब घर जाऊं। घर ही जाएगी, यहाँ थोड़ी ना रखूंगी तेरे को फिर। आपने कुछ नहीं बोला, क्या बात बोल रही हूँ मैं? सलाद अभी नहीं मगर किसी। अच्छा, और आपने? सब्जी, ओ जो जरूरी था, जो जरूरी था। सबसे ज्यादा जोर लगे काटन पे, बड़न पे, इसने तो हरी मिर्च इतनी खाई ना। तो गाइस हमारी वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, और थैंक यू जो हमारी वीडियो देखे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब।